आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट हो तो उसके दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनता है। इससे पहले भी मैंने ये वीडियो बनाया है जो कि इस चैनल में अवेलेबल भी है, लेकिन उस वीडियो में थोड़ा कंफ्यूजन अराइज हुआ था क्योंकि हमारा जो आउटकम आया था उस वीडियो में, जो आउटकम आया था वो एनसीईआरटी के आउटकम से अलग आया था। यहां जो एनसीईआरटी में इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, हमारे केस में वही आया था सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ये एक स्ट्राइकिंग डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्यों आ रहा है ये इस वीडियो में पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि एनसीईआरटी में जिस तरह से सरफेस चार्ज डेंसिटी को कंसीडर किया है, हमने उससे थोड़ा अलग तरीके से उसे कंसीडर किया है। कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस है एक वहां पर। साथ ही साथ उससे आगे बढ़ते हुए हम ये भी देख लेंगे कि जो हमारा अप्रोच है जिसमें कि हम मानेंगे कि चार्ज जब दिया गया तो चार्ज इवनली दोनों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और एक सरफेस का, इधर वाले सरफेस का सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और दूसरे साइड का जो हमें दिख नहीं रहा पीछे वाला साइड वहां का भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो ये जो अप्रोच है ये कहां पर फायदेमंद होगा। जब हम बात करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर जो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, वहां पर देखिए इक्वेशन 33 ऑफ चैप्टर 1 इसे इंट्रोड्यूस किया गया, इसे यूज किया गया, जो कि यही वाला इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन है। तो इसे जो वहां पर अप्लाई किया गया एनसीईआरटी के तरीके से इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को वहां अगर अप्लाई किया जाएगा तो उसका अप्रोच क्या है, एग्जैक्टली क्या है, जो कि वहां बताया नहीं गया, एग्जैक्टली पूरी तरीके से बताया नहीं गया, पर एग्जैक्ट अप्रोच क्या है यह भी हम समझ जाएंगे, और जब हमारे तरीके से उसे यहां पर अप्लाई करेंगे तो उसमें क्या डिफरेंस है, हम एक ही चीज को दो अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी को हम दो अलग अलग अप्रोच से फाइंड आउट कर सकते हैं और उसका दो अलग अलग मीनिंग निकल के आता है, लेकिन फाइनल आउटकम सेम होगा एज ऑब्वियस। अब चलिए देखते हैं जो हमारा तरीका था वो क्या था। सबसे पहले हम पता लगाएंगे कि यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट शीट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो कैसा बनेगा दोनों तरफ। हमारा अजम्पशन क्या है, चार्ज हमने यहां पर कुछ दिया, कितना भी दिया वो मायने नहीं रखता, चार्ज हमने दिया जिसके कारण इसके दोनों सरफेसेस पे, इधर भी और पीछे वाले सरफेस पे भी जो चार्ज डेंसिटी बना, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो सिग्मा बना। आगे बढ़ते हैं और यहां से सबसे पहला जो सवाल आता है वो ये कि इनफाइनाइट प्लेन शीट से हम क्या समझते हैं, क्या सही में जो प्लेन शीट है वो इन्फिनिटली लॉन्ग है, इन्फिनिटली लार्ज है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इससे पहले एक वीडियो में हमने डिटेल्स में बात किया है कि इन्फिनिटी, इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर और इन्फिनिटली लार्ज चार्ज शीट, यहां पर इनफाइनाइट का मतलब क्या है, ये एक कॉन्सेप्चुअल टर्म है, ये एक रिलेटिव टर्म है। अगर कोई शीट रहे और उसे हम चलिए ऐसे देख रहे हैं, हम सिर्फ इस साइड को अगर देखें, ये वाला साइड जो है सिर्फ अगर इस साइड को देख पाए, ऐसा अगर सिचुएशन बनाते हैं, सिर्फ हम उसी साइड को देख रहे हैं, ये बिल्कुल हमारा अप्रोच जो है देखने का, हम कुछ यहां से देख रहे हैं और हम ऐसे देख रहे हैं, सो हमें सिर्फ इसका साइड दिखेगा। जब कोई पॉइंट इसके बहुत 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 करीब रहता है, बहुत करीब, तो इसके लिए ये जो शीट है ये इन्फिनिटली लार्ज शीट बन जाएगा। जितना दूर हम जाते जाएंगे इसके लिए ये शीट उतना कम इनफाइनाइट शीट की तरह बिहेव करेगा। आप बहुत 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 क्लोज आ जाएं तो आपके लिए रिलेटिवली ये शीट जो है ये बहुत बहुत बड़ा अपीयर करेगा और इसका जो बिहेवियर होगा वो इनफाइनाइट शीट की तरह इसका बिहेवियर होगा, ऐसा लगेगा, ऐसा प्रतीत होगा कि ये इनफाइनाइटली लार्ज शीट है। यहां पर अगर मान ले हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर करते हैं इस रीजन में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें कैसे मिलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें ऐसे मिलते हैं मानो कि ये नॉर्मली आउटवर्ड्स हो इस सरफेस से, इस शीट के सरफेस से। ऐसा क्यों? अगर ये बेंट कर जाएगा, डेफिनेटली ये बेंट करेगा, जितना दूर आप जाते जाएंगे इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जितना दूर जाएगा ये बेंट करेगा कुछ ऐसे, जितना दूर जाएगा ये बेंट करेगा ऐसे।
लेकिन बहुत करीब अगर रीजन हो तो उसके लिए ऐसा दिखेगा, उसे ऐसा अपीयर होगा जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये बिल्कुल उस रीजन से नॉर्मली पास हुआ है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है एक सरफेस से, एक चार्ज्ड सरफेस से नॉर्मली आउटवर्ड्स निकलता है, क्योंकि ये जो सरफेस है ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा, और इक्विपोटेंशियल सरफेस से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलता है, या फिर कहें जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे नॉर्मल बनता है। ये हमने इससे पहले देख लिया है, और ये इसी का आउटकम है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये होता है ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो इसी का आउटकम है, इसमें हमने काफी बात किया है। तो इसी के कारण ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस पे नॉर्मल होता है। और जब भी हम किसी बॉडी पे चार्ज देते हैं तो चार्ज, स्टैटिक चार्ज की अगर बात करें तो स्टैटिक सिचुएशन में चार्ज रिसाइड कुछ इस तरह से करता है कि उसका जो सरफेस होता है, उसका जो आउटर बाउंड्री है उस बॉडी का, वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है। तो यहां इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा नॉर्मल होगा, और डेफिनेटली ये बेंड करेगा, लेकिन काफी आगे जाके वो बेंड करेगा, इस तरह से वो बेंड करेगा, डेफिनेटली बेंड करना ही है उसे। लेकिन बहुत क्लोज अगर आप देखें तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो दिखेगा कि बिल्कुल पैरेलल है एक दूसरे के साथ। तो यहां से आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो नॉर्मली आउटवर्ड होंगे और बिल्कुल पैरेलल होगा, बिल्कुल एक दूसरे के साथ पैरेलल होगा। हम बात कर रहे हैं बहुत क्लोज रीजन की, कोई पॉइंट अगर बहुत क्लोज रहे इस शीट के। अब क्या है, हमने इसे कुछ चार्ज दिया, चलिए उसके कारण सरफेस चार्ज डेंसिटी इतना बना एक साइड में, दूसरे साइड में इतना बना। हमें क्या करना है, एक बहुत ही क्लोज पॉइंट पी, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो ये जो पॉइंट है ये है पॉइंट पी, साथ ही साथ पीछे भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा क्योंकि इस साइड में भी चार्ज है, तो पीछे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो भी हम पता लगाएंगे। तो क्यू पॉइंट में हम पता लगाएंगे कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सो ये पॉइंट हो गया क्यू। हम क्या करेंगे, यहां पर गाउसियन थ्योरम अप्लाई करेंगे। कैसे, हम एक गाउसियन सरफेस कंसीडर कर लेंगे। ये पी और क्यू पॉइंट्स जो है ये इस शीट के बहुत क्लोज है, ये ध्यान रखें। तो हमने ड्रॉ कर दिया एक गाउसियन सरफेस। सो गाउसियन सरफेस कुछ ऐसा, यहां से शुरू करते हैं, कुछ ऐसा एक क्यूबॉइड जैसा, और ये पॉइंट जो है इस क्यूबॉइड के इस सरफेस में रिसाइड कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, और भी लाइंस हमें बनाने होंगे। तो ये जो है कुछ ऐसा बना, एक तरफ का हमने बना लिया है गाउसियन सरफेस। तो ये जो है ये गाउसियन सरफेस जो क्यूबॉइड है ये इसे क्रॉस कर रहा है, इस प्लेट को क्रॉस कर रहा है यहां पर। अब इसे हमें आगे भी बढ़ाना होगा क्योंकि क्यू पॉइंट में भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, उसका भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसे हमें पता लगाना है। तो इसे हमने पीछे की तरफ बढ़ा दिया, और इस तरह से क्यू पॉइंट जो है उसे हमने इस सरफेस में, क्यूबॉइड के इस सरफेस में रखा है। तो आगे बढ़ते हैं, ये बन गया पूरा का पूरा गाउसियन सरफेस। तो इस गाउसियन सरफेस में देखें, ये इस प्लेट को यहां पर क्रॉस कर रहा है, इस रीजन में क्रॉस कर रहा है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, चूंकि पी और क्यू पॉइंट्स जो है बहुत क्लोज है इस प्लेट के, तो ये बिल्कुल ऐसे नॉर्मल होगा, नॉर्मली आउटवर्ड्स होगा, एक दूसरे के साथ पैरेलल होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऐसे निकलेंगे बाहर। और यहां इस साइड में अगर देखें तो कुछ ऐसे एक दूसरे के साथ पैरेलल होगा। सो क्यू और पी पॉइंट में हम पता लगाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है ये ई है, यहां भी मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ई है, दोनों ही बराबर होगा क्योंकि पी और क्यू पॉइंट बहुत क्लोज है इस सरफेस के, और साथ ही साथ दोनों का जो चार्ज डेंसिटी है एग्जैक्टली इक्वल होना ही है, तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये दोनों ही पॉइंट्स में बराबर होंगे। अब हम अप्लाई करेंगे यहां पर गाउसियन थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू गाउसियन थ्योरम ये जो भी सरफेस है, एक गाउसियन सरफेस जो है, इसका जो टोटल फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स चलिए फाई, ये बराबर हो जाएगा किसके, चार्ज एनक्लोज्ड, चलिए क्यू हो गया चार्ज एनक्लोज्ड, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो जो चार्ज है यहां पर, ये अंदर जो चार्ज है ये क्यू है, जो भी ये एनक्लोज करके रखा है, इस साइड में भी थोड़ा चार्ज होगा और पीछे के साइड में भी बाकी आधा चार्ज होगा।
क्योंकि चार्ज यहां भी रिसाइड कर रहा है इस सरफेस में और पीछे के सरफेस में भी रिसाइड कर रहा है, दो सरफेसेस होंगे एक प्लेट के, तो यहां पर वो चार्ज है, यहां पर चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मतलब कि ये जो रीजन हमने कंसीडर किया यहां पर जो है ये फ्री स्पेस है। अब देखिए फ्लक्स जो होगा, टोटल फ्लक्स इस पूरे गाउसियन सरफेस का टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स के लिए देखें यहां पर छह सरफेसेस होंगे, क्यूबॉइड के छह सरफेसेस। एक तो देखें ये ऊपर वाला सरफेस, एक तो हमारे तरफ वाला सरफेस, एक तो ये नीचे वाला सरफेस, एक पीछे वाला जो सरफेस है, वो चार सरफेसेस हो गए, और एक सरफेस होगा ये पांचवा सरफेस और ये छठा सरफेस, सिक्स्थ सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चूंकि नॉर्मली आउटवर्ड्स है और एक दूसरे के साथ पैरेलल है और पी पॉइंट बहुत ही क्लोज है, क्यू पॉइंट भी बहुत ही क्लोज है, तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ये इन सरफेसेस को, ऊपर वाले सरफेस को या नीचे वाले सरफेस को या हमारे तरफ वाले सरफेस को कैसे क्रॉस कर सकता है? नहीं, ये तो नॉर्मली आउटवर्ड होगा और एक दूसरे के साथ पैरेलल होगा क्योंकि पी और क्यू बहुत क्लोज है। तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो क्रॉस करेंगे इस सरफेस को और इस सरफेस को करेंगे, बाकी सारे सरफेसेस के साथ वो पैरेलल होंगे। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस ही नहीं करेगा इन सरफेसेस को, तो इन सरफेसेस में फ्लक्स जो होगा वो जीरो होगा, चार सरफेसेस में फ्लक्स जीरो, सिर्फ फ्लक्स बनेगा इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इसमें बनेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो चलिए उन दोनों इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस को हम नाम दे देते हैं फाई वन और फाई टू। सो ये हो गया फाई वन और ये हो गया फाई टू। जैसा कि हमने बात किया इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दोनों ही जगह पे बराबर होगा क्योंकि P और Q बहुत क्लोज है और साथ ही साथ ये दोनों फेसेस जो है उनका सरफेस एरिया भी बिल्कुल सेम है, तो इसीलिए फाई वन और फाई टू जो है ये एग्जैक्टली सेम होंगे। तो हम यहां से कह सकते हैं चलिए इसे फाई टी कर देते हैं, टोटल फ्लक्स। तो ये टोटल फ्लक्स किसके बराबर हो जाएगा? जैसे कि हमने बात किया ये फाई वन प्लस फाई टू के बराबर हो जाएगा, बाकी सरफेसेस पे फ्लक्स तो जीरो होगा, तो ये जो कि टोटल फ्लक्स के बराबर है ये बराबर हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ये Q है क्या? Q है चार्ज एनक्लोज्ड, यहां पर टोटल चार्ज जितना एनक्लोज किया गया। हमें पता है इस सरफेस का सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और पीछे वाले और एक सरफेस है जिसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो ये जो एरिया है ये वाला जितना ये काट के इसे क्रॉस किया है ये क्यूबॉइड, इसका एरिया चलिए हम मान लेते हैं ये है ए, तो ऑब्वियस सी बात है यहां का जो एरिया होगा ये भी ए होगा, क्यूबॉइड का ये फेस और इस फेस का तो एरिया सेम होगा और उतना ही एरिया होगा इसका भी, तो एरिया इस फेस का ए हो गया और इस फेस का भी ए हो गया। तो ए एरिया अगर इसका होगा तो ये चार्ज कितना इनक्लोज करेगा दोनों साइड में, देखें एक तो इधर और दूसरा जो पीछे की तरफ ये चार्ज एनक्लोज करेगा, दोनों तरफ चार्ज होगा ना, सो ये जो चार्ज एनक्लोज करेगा ये होगा सिग्मा इंटू ए, चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया, और पीछे की तरफ जो चार्ज एनक्लोज करेगा वो भी होगा सिग्मा इंटू ए। तो टोटल चार्ज जो हो गया ये बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा टू इंटू सिग्मा इंटू ए। यहीं पर स्ट्राइकिंग डिफरेंस शुरू होता है क्योंकि एनसीईआरटी में जो माना गया वो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिर्फ सिग्मा कहा गया, आप यहां भी देख सकते हैं, यहां समझ सकते हैं चार्ज एनक्लोज्ड ये कह रहा सिग्मा इंटू ए। तो ये हो गया टोटल चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब जो है ये फाई वन और फाई टू ये तो बराबर है दोनों ही सरफेसेस में, इसमें और इसमें फ्लक्स तो बराबर बनेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है और साथ ही साथ जो एरिया है वो बराबर है और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो सेम है दोनों की तरफ, ये हम आगे चल के देखेंगे। तो इन दोनों को चलिए हम नाम दे देते हैं, ये जो phi1 है ये भी phi के बराबर है, ये phi2 है ये भी phi के बराबर है। सो हम यहां से कह सकते हैं कि ये phi1 प्लस phi2 जो है ये है ट्वाइस ऑफ phi, जो कि बराबर है 2 इंटू सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के। आगे बढ़ेंगे तो हम कह सकते हैं phi चूंकि है फ्लक्स एक सरफेस का, इस सरफेस का फ्लक्स टू से डिवाइड कर रहे हैं हम इक्वेशन के दोनों साइड को, ये बन गया सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये फ्लक्स, तो चलिए इस सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होगा? यहां पर देखिए ये जो सरफेस है ये सरफेस, चलिए सरफेस वेक्टर ए हो गया, वेक्टर ए,
तो उसका जो डायरेक्शन होगा वो नॉर्मली आउटवर्ड्स होगा, ये जो इमेजिनरी क्यूबॉइड है उससे नॉर्मली आउटवर्ड्स होगा, तो ये सरफेस वेक्टर का डायरेक्शन के साथ ये पूरा का पूरा वेक्टर, ये ए उसका मैग्नीट्यूड हो गया, दैट मीन जितना सरफेस एरिया हो गया, और इसका जो डायरेक्शन है नॉर्मली आउटवर्ड्स है। हमें पता है जो फ्लक्स बनता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा इस केस में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये बराबर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर के। यहां पर हम सिंपली ऐसा कह सकते हैं क्योंकि हर एक पॉइंट में, यहां इस सरफेस के हर एक पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है और उसका डायरेक्शन भी सेम है जो कि इसी के डायरेक्शन के बराबर है। अब ये जो है ये बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट के। अब देखिये इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे, ई पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू दोनों के बीच का जो एंगल है उसका कोसाइन वैल्यू, सो कोसाइन ऑफ जीरो डिग्री, दोनों के बीच का एंगल तो जीरो डिग्री है वेक्टर ई और वेक्टर ए के बीच, तो कोसाइन ऑफ जीरो डिग्री इज इक्वल टू वन, तो वही वन यहां पर मल्टीप्लाइड हो गया, उसे नहीं लिखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिग्मा इंटू ए ओवर एप्सिलॉन नॉट। यहां से देखिए आप इक्वेशन के दोनों तरफ से ये ए कैंसिल हो जाएगा और जो हमें मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ये होगा सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यहां भी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसका मैग्नीट्यूड, और यहां भी मैग्नीट्यूड उतना ही होगा, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट होगा एक दूसरे के। लेकिन वहीं पर अगर आप एनसीईआरटी में आते हैं तो हमें मिलता है ये, चलिए देखते हैं डिफरेंस क्यों है, क्योंकि यहां पर माना गया है सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो सिग्मा है। चलिए ठीक है, जैसा हमने माना था यहां भी वैसे ही माना गया सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो क्या चार्ज सिर्फ एक सरफेस पर रिसाइड कर रहा है या दो सरफेस पर रिसाइड कर रहा है, क्या चार्ज सिर्फ यहीं पर है या पीछे के सरफेस में भी है, ये एक बड़ा सवाल है। तो यहां पर अगर आप देखें कि चार्ज जो ये एनक्लोज करके रखेगा, ये वाला रीजन जो चार्ज एनक्लोज करके रखेगा, गाउसियन सरफेस जितना चार्ज एनक्लोज करके रखेगा वो है सिग्मा इंटू ए, दैट मीन सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया, डिफरेंस आपको दिख रहा है। सो सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया, चलिए वहां तक तो ठीक है, तो चार्ज तो एक साइड में नहीं होगा ना, चार्ज दोनों साइड पे होगा, तो यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा मानने का मतलब है, शायद ये कहना चाहते थे वो कि चार्ज यहां पर कुछ एनक्लोज करेगा और चार्ज यहां भी पीछे के साइड में कुछ एनक्लोज करेगा, तो एक साइड में एक सरफेस में जो चार्ज ये एनक्लोज करेगा ये होगा सिग्मा ए डिवाइडेड बाय टू, दूसरे साइड में जो चार्ज एनक्लोज करेगा वो होगा सिग्मा ए डिवाइडेड बाय टू, तब जाके टोटल चार्ज एनक्लोज इतना होगा सिग्मा ए, दोनों को जोड़ दे तो सिग्मा ए बन जाएगा। इसका मतलब ये निकल के आता है कि एक साइड का सरफेस चार्ज डेंसिटी ये सिग्मा नहीं है बल्कि सिग्मा डिवाइडेड बाय टू है, दूसरे साइड का सरफेस चार्ज डेंसिटी भी सिग्मा डिवाइडेड बाय टू है, दोनों को एक साथ मिला के ये कह दिया गया कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। लेकिन यहां पर एक सवाल आता है, फंडामेंटल क्वेश्चन आता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी में ये जो टर्म सरफेस अपीयर कर रहा है, सरफेस क्या है, एक प्लेट में कितने सरफेसेस होते हैं, क्या एक सरफेस होता है या दो सरफेसेस होते हैं, एक प्लेट में दो सरफेसेस होते हैं, अगर आप इसी प्लेट को कंसीडर करें तो आप पाएंगे काम के दो सरफेसेस हैं, इनको एक्सक्लूड कर दे अगर, ये जो एक सरफेस है और यहां पर एक सरफेस है ये तो बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत पतला है इसीलिए सारे सरफेसेस जो है बहुत छोटे छोटे हैं, तो ये हमारे काम के सरफेसेस नहीं है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अभी हमें दो सरफेसेस, एक तो यहां और दूसरा पीछे की तरफ दो सरफेसेस मिलेंगे। जब आप एक प्लेट को बहुत 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 पतला बनाते हैं तब जाके वो दो सरफेसेस एक सरफेस की तरफ टेंड करता है, मैथमेटिकली वो हमेशा दो सरफेसेस रहते हैं, फिजिक्स के टर्म पे आप कह सकते हैं कि दो सरफेसेस एक सरफेस की तरफ टेंड कर रहा है, किसी किसी केस में आप मान सकते हैं दो सरफेसेस एक ही सरफेस है जब वो बहुत 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 पतला होगा, वो बहुत पतला इन द सेंस फिजिक्स के टर्म में अगर कहें तो एक दो तीन एटम का विड्थ होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं थोड़ी देर में ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर आर्ग्यूमेंट आता है कि अगर चार्ज डेंसिटी इतना हो तो हो सकता है इसका कहने का मतलब ये था कि चार्ज जो है एक ही सरफेस पर रिसाइड कर रहा, एक तरफ रिसाइड कर रहा है, जो कि हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दिखता है, अगर आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को देखें जो कि चार्ज एक ही साइड पर रिसाइड कर रहा है,
और यहां पर इक्वेशन 133 यूज भी किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर यहां पर चार्ज एक सरफेस पर रिसाइड करेगा तो ये एक स्पेशल केस होना होगा, वरना ऐसा पॉसिबल नहीं है। और उस स्पेशल केस में अगर आप मानते हैं कि चार्ज एक ही सरफेस पर रिसाइड कर रहा है तो आप ये नहीं मान सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में बनेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आप ये देखें कि अगर ये प्लेट है और हम साइड से देख रहे हैं, सिर्फ यही वाला रीजन हमें दिख रहा है, ये वाला रीजन हमें दिख रहा है, तो चार्ज जब एक सरफेस पे रहेगा, अगर इस साइड में रहता जो कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बाहर निकलेंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे की तरफ भी बनना है, अगर इस रीजन में भी बनना है, तो यहीं से इन्हीं चार्जेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पीछे की तरफ भी निकलना होगा। अगर ऐसा होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ये क्रॉस करेगा इस सरफेस को, यहां पर देखिए इस बॉडी को क्रॉस करते हुए बाहर जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर इस बॉडी को क्रॉस करेगा तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। फिर एक चार्ज्ड बॉडी, स्टैटिक सिचुएशन में एक चार्ज्ड बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनता है। ये एनसीईआरटी नहीं कहा कि इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो। ये हम सबको पता है कि स्टैटिक सिचुएशन में आप स्टैटिक सिचुएशन में अगर चार्ज देते हैं, चार्ज अगर स्टैटिक रहता है एक बॉडी के, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। वहां भी लागू होगा, वहां अगर ये लागू होगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ये इसे क्रॉस नहीं कर सकता है। तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता है इस सिचुएशन में कि चार्ज जो है एक साइड में है, चार्ज दोनों साइड्स में है, चार्ज यहां भी है, चार्ज पीछे भी है। पीछे है इसीलिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है, क्योंकि अगर यहां पीछे चार्ज होगा उतना ही सरफेस चार्ज डेंसिटी के साथ, यहां भी चार्ज होगा उतना ही डेंसिटी के साथ, तो यहां से फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगे। तो ये बॉडी जो है इसे क्रॉस करने का फिर सवाल नहीं आता है। सो ऐसे ये बाहर निकलेगा, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिखेगा, ये होगा, ये नॉन जीरो होगा, ये हमें दिखेगा। सो सिचुएशन ये आया कि चार्ज दोनों तरफ होना होगा, चार्ज एक तरफ नहीं हो सकता है, चार्ज दोनों तरफ होगा। एक केस में यह पॉसिबल है अगर ये बहुत 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 थिन हुआ, बहुत थिन, एक एटम, दो एटम, तीन एटम का अगर विड्थ हुआ तो इसका। लेकिन उतना थिन अगर आप एक प्लेट कंसीडर करेंगे तो उस प्लेट से आप कोई काम नहीं कर सकते हैं, उससे आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना नहीं सकते हैं, क्योंकि जो फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसमें अप्लाई होगा उसके कारण वो टूट जाएगा। तो वो तो सीन से बाहर चला गया कि आप उतना प्लेट लेंगे दो एटम तीन एटम का विड्थ का, वो तो पॉसिबल भी नहीं है अभी हमारे लिए। आप थिन से थिन प्लेट ले, पतला से पतला, चलिए 0.01 मिलीमीटर का ले, उसमें भी लाखों करोड़ों एटम्स रहेंगे एक विड्थ को अगर कंसीडर करें तो, उसके विड्थ को अलोंग द विड्थ लाखों करोड़ों एटम्स रहेंगे। तो वहां यह सवाल ही पैदा नहीं होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इस बॉडी को पेनेट्रेट करके बाहर निकलेगा, क्योंकि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो बनना है अंदर। तो ये पहला मुद्दा जो है वो ये है कि चार्ज दोनों तरफ रहेगा। जब चार्ज दोनों तरफ रहेगा तो आप ये कैसे कह सकते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इतना कहकर आप छोड़ नहीं सकते हैं ना, आपको कहना होगा इस सरफेस में सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 है, दूसरे सरफेस में सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 है। और दूसरा, जब इसे यूज किया जाएगा यहां पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में, जहां पर 133 इक्वेशन 133 यूज किया जाएगा, तब हम देखेंगे कि एक तरफ चार्ज है जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 नहीं है, सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहां पर हम देखेंगे कि ये वाला जो अप्रोच है, हमारा जो अप्रोच है, ये जो फाइनल एक्सप्रेशन बाहर निकल के आ रहा है, इस एक्सप्रेशन को कितना इजीली हम यहां पर अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि हमारे केस में यहां पर अगर इधर चार्ज नहीं रहता तो सिंपली यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहता, तो यहां का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता इतना होता, तो उसके लिए हमारा अप्रोच डायरेक्ट अप्रोच होता। हम कहते हैं हमने एक गाउसियन सरफेस लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कितना दिखा यहां पर, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिखा, जीरो, क्योंकि उधर चार्ज है ही नहीं। तो यहां से आप डायरेक्टली ये कह सकते हैं
कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा अंदर वो इतना होगा, लेकिन एनसीईआरटी का अप्रोच जो है वो अलग है, इससे एक अलग मतलब निकल के आता है। ये गलत नहीं है, मैं बिल्कुल आप इसे गलत ना माने, ये भी सही है, लेकिन इसे और थोड़ा एलोबोरेट करना चाहिए था। और भी बहुत सारे चीजें हैं वैसे 11 12th लेवल में, वो सारे चीजें जो हैं वो थोड़ा सा मैं कहूंगा वो ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए शायद नहीं बताया गया, पर इसे कंप्लीटली एलोबोरेट करने के लिए और भी कुछ चीजें चाहिए, जो कि हम बात करेंगे जब हम डिराइव करेंगे हमारे चैनल में, जब वीडियो बनेगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हम पता करते हैं, हमारा अप्रोच क्या है उसके साथ एनसीईआरटी का डिफरेंस क्या है। तो आई होप कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब आगे हम कैपेसिटर और कैपेसिटेंस की सीरीज शुरू करने वाले हैं, तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।